हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बताने वाले हैं राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो वही राधा रानी कृष्ण के वीरा में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय ऐसा आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारिका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारिका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने की समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। श्री कृष्ण ने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस एक इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान होकर कृष्ण में विलीन नहीं हो गयी। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुँची। तब कृष्ण ने उसे स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसके दो टुकड़े कर उसे फेंक दिए। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने फिर दोबारा कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस तरह राधा रानी की मृत्यु हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।